ओके सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन महिमा अंतिम के लिए। थैंक यू। बहुत अमेजिंग है। थैंक यू। आप सारे बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। किस तरीके रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले तो कहा गया था कि अंतिम इज़ द अंडरडॉग ऑफ द ईयर, एंड राइट नाउ एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर एवरीबडी टू वॉच द फिल्म, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग, एंड वी कांट वेट फॉर एवरीवन टू गो बैक टू द थिएटर्स एंड विटनेस द मैजिक ऑफ द बिग स्क्रीन्स, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट। एंड एज फार एज अंतिम इज़ कंसर्न्ड, एज वी ऑल नो, the story takes place in this village where there is development that takes place, how farmers and the village gets affected, how there's this boy in the village who wants to take a stand for their family, and how in the whole process of it he becomes a gangster. So it's his whole journey from becoming a village boy to a gangster. He doesn't understand the consequences, and according to him his approach is right. But when you look at it from a third person's point of view, he has really, called for a blunder. But Antim, I think, is a journey between good or bad, good versus bad, and you don't know. Maybe what's good for you is not the same for me, and vice versa. So that's like a gist of Antim that's there. Okay, we're talking about the character. We're talking about the character. जी. मंदा चायवाली है और पूरे मार्केट यार्ड में वो एक अकेली लड़की है, एंड मंदा इज दैट काइंड ऑफ गर्ल दैट यू डोंट वांट टू टेक पंगा विथ, बिकॉज शी इज समवन हु इज वेरी कड़क, एंड शी विल टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड, और सुलझी हुई है, वल्नरेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर वो स्पार्क और वो फायर नजर आता है, एज वी हैव सलमान सर्स एंड आयुष कैरेक्टर इन द फोरफ्रंट, बट देर इज दिस गर्ल जो खुद के लिए स्टैंड लेगी विदाउट थिंकिंग अबाउट इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग थी, बिकॉज उसकी भी एक आवाज़ है, वो भी उसकी भी एक, और हम उसे अलग अलग शेड्स में भी देखते हैं फिल्म में, यू सी हर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू नो वो बोलती है कि पीने से पहले बोलना सीख, सो देर इज कॉन्फिडेंस, देर इज स्पार्क, बट देन यू नो दैट देर इज समथिंग अबाउट हर दैट अट्रैक्ट्स, बट फिर आपने उसे गाने में देखा हुआ, when you see राहुल याज एंड मंदाज रोमांटिक एंगल, when you see there is this chemistry that is established, when you see राहुल या प्रपोज मंदा, सो देर इज वेरिएशन इन रेंज टू मंदाज कैरेक्टर। मुझे हमारे डायरेक्टर सर महेश सर ने तो यही बोला था कि कोई तैयारी करके नहीं आना, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर कैरेक्टर, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द कॉन्शियंस ऑफ योर कैरेक्टर, एंड डोंट कम ओवर प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो हमेशा से वो खुद एक एक्टर है, हम सब जानते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जब हम एक्टर्स को एक बॉक्स में डाल देते हैं या फिर जब हम उनको बता देते हैं कि उन्हें क्या करता है, तो वो अपना मैजिक नहीं लेकर आ पाते। सो उन्होंने मुझे अपनी पहले ही फिल्म में, पहले ही प्रोजेक्ट में फ्रीडम दी एज अ परफॉर्मर टू परफॉर्म, फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, और जब चीज़ें गड़बड़ होती थी तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी थ्रू आउट द जर्नी, बट ही नेवर पुट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर और आई ऑब्वियसली आई वॉज वरीड, बिकॉज आई वॉज नर्वस, आई वॉज वरीड, आई वॉज बिकॉज दिस फिल्म ऑलरेडी हैज़ टू वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, और उसमें आप स्टैंड आउट करना या आप अपने कैरेक्टर से जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट महेश सर हेल्प मी थ्रू आउट द प्रोसेस, और मतलब कौन उनका फ़ैन नहीं हो सकता, तो बिल्कुल उनका आस पास रहना ही मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह था, ही वॉज नथिंग लेस देन एन इंस्टीट्यूट फॉर मी, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बट प्रेपरेशन तो यही थी कि बी स्पॉन्टेनियस, be into your character, but come to the set and we'll see what unfolds on the set. बिल्कुल। But ये तो वही कहने की बात है, लेकिन personally कितना pressure हो जाता है जब आपके सामने सलमान खान, महेश हिमाद्री का, तो वो कितना pressurized होता है उनसे? बहुत ज़्यादा pressurizing था, because the fact that सलमान सर and महेश सर believed in me. They both saw some sort of potential in me. तो कहीं ना कहीं आपको खड़े उतरना पड़ता है, आपको खुद को प्रूव करने से ज़्यादा आपको उन दोनों को प्रूव करना होता है, क्योंकि उन्होंने आप पर वो भरोसा देखा है, उन्होंने वो पोटेंशियल देखा है, वो फेथ रखा है, और मुझे लगता है कि करियर की शुरुआत में ही जब आप पर
दो महारथी जब यू नो भरोसा करे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. यस, एंड देर वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर वॉज ऑल्सो मोर देन प्रेशर, यू नो आई वुड कॉल इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैड टू फुलफिल, दैट आई हैड टू कम ओवर. सो आई थिंक आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई हैव ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन. बट कहीं ना कहीं जो मेरा टीवी का एक्सपीरियंस था, जो मैंने जो काम किया है, इतने इतने यू नो जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं, समटाइम्स यू नो आई फील ऑल दोज एक्सपीरियंसेस हैव हेल्प मी टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो आई थिंक मैं अपना मतलब मैं इस फिल्म की जर्नी को मतलब मैं टीवी को ओ करना चाहूँगी कि मुझे ये फिल्म मिली है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ एवरी थिंग दैट आईव डन बिफोर बिफोर अंतिम. ये फिल्म की अगर बात करें तो किस तरीके से इतनी मात्रा पहुंची? मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया. महेश सर टुक माई ऑडिशन बाई हिमसेल्फ, एंड विद इन द फर्स्ट सीन इटसेल्फ ही हैड सम सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन दैट ही सॉ मंदा इन मी, एंड आई वॉज यू नो आई वॉज एब्सोल्युटली टेकन अबैक विथ हिज कन्विक्शन एंड विथ हिज बिलीव दैट आर यू श्योर दिस दिस हैज आई मीन हैज दिस रियली हैपेंड. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड आई थिंक आई वॉज अ ईयर अगो आई वॉज नोटिस्ड ऑन द सेट्स ऑफ बिग बॉस व्हेन आई मेट सलमान सर टू प्रमोट माई टेलीविजन शो. सो आई थिंक आई वॉज डिस्टाइन टू डू दिस. आई थिंक कहीं ना कहीं लिखा था कि यू नो, एंड ऑल्सो आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट कास्ट ऑन द फिल्म. सो आई थिंक आई हैड नो टाइम टू इवन डाइजेस्ट यू नो एडमिट एंड प्रिपेयर दैट यू नो दिस इज फाइनली हैपेंड. बट आई थिंक I've given my level best to the character, and I hope I've done justice to the faith. What was your first reaction जब आपने इस फिल्म के लिए अप्लाई किया और आपको बताया गया कि ये ऑडिशन की और इनविटेशन बताया कि ये अंतिम भी है एंड हम आपको इससे बोल दिया करने वाले, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जो पहले दिमाग में आया? I was absolutely apprehensive. सबसे पहले तो मैंने महेश सर को देखा, अब आपके सामने एक इंस्टीट्यूट खड़ा है, यू नो आपको उन्हें देखकर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी आपके दिमाग में आ जाती है, यू नो वास्तव हो, नट सम्राट हो, अस्तित्व हो, अभी पांगरून उनकी जो फिल्म आई है, एंड यू आर लाइक उनको मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने डायलॉग्स भूल जाऊंगी, यू नो, बट माय फर्स्ट फर्स्ट टेक इटसेल्फ वाज इट जस्ट फ्लोड अपने आप. जैसे मैंने आपको कहा कि वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है जो मैंने टीवी में काम किया है, एंड या एंड आई जस्ट गेव इट माई बेस्ट शॉट. बट लेट मी टेल यू आई वॉज रियली हेजिटेंट एंड नर्वस, एंड आई हैड यू नो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था दैट आई विल बी एबल टू मेक इट टू अंतिम. ओके, इस तरीके से मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी सलमान सर से मिल चुके हैं बिग बॉस के सेट पर आप उसको मिले हैं, फिर उसके बाद में फिल्म के सेट पर मिले हैं, तो क्या किस तरीके का माहौल था सेट पर? सबको ऐसा लगता है कि सब काफ़ी डरे हुए होंगे, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट फन पर्सन, एंड मतलब वो सेट पे आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मैग्निफिशेंट. ही नॉट ओनली लाइट्स अप द स्क्रीन बट ही लाइट्स अप एवरी थिंग अराउंड यू, यू नो. सो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके उनके थ्रू मेरा डेब्यू होना बॉलीवुड में वॉज यू नो नथिंग लेस देन अ ड्रीम. एंड जैसे मैंने कहा कि मतलब उनकी जो लर्निंग्स रही हैं वो काफ़ी उनकी भी जर्नी हार्डवर्क रेजिलियंस की रही है, तो उन्होंने भी मुझे यही सीख दी है हाउ आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. ओके, कोई टिप्स कोई आइडियाज उन्होंने दिए सलमान सर ने? जिस तरीके जब मैंने उनके एक्टर से काफी मैंने बात की है तो वो अपने आइडियाज देते हैं कि यार इस कैरेक्टर को ना इसको डायलॉग किस तरीके से बोलूं, इसको ऐसे करूं. आई थिंक उनकी खास बात यह है कि दो ही हैज बिलीफ एंड फेथ इन मी, ही वॉन्ट्स मी टू फाइंड माई ओन फीट, टू कार्व माई ओन नीश. वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं अपने आप करूं, बिकॉज आई डोंट नो ही वॉन्ट्स मी टू बी ही वॉन्ट्स मी टू कंटिन्यू विद द इंडिपेंडेंट मी दैट आई एम. सो लेसन्स तो यही रहे हैं कि कैसे मुझे हार्डवर्किंग रहना है, कैसे यू नो हम एक्टर्स को बोला जाता है कि डोंट लेट द सक्सेस एंटर इनटू योर हेड एंड यू नो टू हैव अ थिक स्किन. सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सलमान सर ने मुझे बताई है, बट ही जस्ट आस्क्ड मी टू बी माई ओन एंड बी व्हाट आई एम. आयुष तो मतलब आयुष के जर्नी को, आयुष के ट्रांसफॉर्मेशन को तो मैं मतलब बिल्कुल दाद देना चाहूँगी. ही इज़ गिविन द फिल्म एवरी थिंग दैट ही हैज़, एंड मैं बस यही कहती हूँ कि इफ देर इज़ वन एक्टर दैट यू नो वी ऑल नीड टू वॉच आउट फॉर देन देर इज आयुष शर्मा, बिकॉज आई कुड हैव इमेजिन एनी अदर पर्सन परफॉर्म राहुल अदर देन देम
अदर देन हिम, बिकॉज ही इज़ कमेंडेबल और बहुत अच्छे हैं. मतलब उनकी उनकी जर्नी, उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड ही इज़ ऑल्सो बिंग ही इज़ ऑल्सो बिन लाइक अ गाइडिंग लाइट टू मी, यू नो. ही इज़ ऑल्सो मेड मी बी फ्रेंड द चेंजेस ऑफ द वर्किंग पैटर्न्स फ्रॉम टेलीविजन टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री. सो ही इज़, आई नो, यू नो, आई नो दैट आई ऑलरेडी मेड माई फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री. एंड ही इज़ समवन हु इज़ एब्सोल्यूटली जेनरस, इंस्पायरिंग, एंड ही इज़ डेडिकेटेड. सो आई होप हिज हार्ड वर्क वुड पे ऑफ. आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो शायद शायद ही मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाऊंगी. जैसे कि आपने ही कहा कि कितनी टफ, कितनी आसान, हर तरीके के मोड़ आता है. नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट आपकी पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड पीक्स एंड वैलीज. सो आई थिंक मैं इस जर्नी को इंस्पायरिंग, और आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इफ़ वन इज़ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, एंड आप गिव अप करते हो, बट इट्स वॉट यू डू आफ्टर फॉलिंग डाउन. इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अप. इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल योर नेगेटिव थाट्स असाइड एंड गेट गोइंग, बिकॉज आई थिंक आपको विजन, अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं नहीं कहूँगी ईजी होता है. ऑब्वियसली मेरी जर्नी, मैंने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया है और काफ़ी सारे टेलीविजन शोज किए, बट आई वॉन्टेड टू ब्रेक द पैटर्न. बट आई वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, एंड यू नो दैट्स हाउ आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ. प्लीज जाकर देखिए, अंतिम इज कमिंग आउट इन द थिएटर्स. प्लीज वॉच इट इन योर नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स. इट्स कमिंग आउट ऑन द 26th नवंबर. अंतिम, गो वॉच इट एंड या लव इट. Thank you so much.